स्प्रिंग जैसे है, एक स्प्रिंग है, यूं समझे कि उसको आपने पाँव के साथ दबा के ऐसे प्रेस करके रखना है, ये है कंट्रोल। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो फिर जिस तरह ब्रश करती है वो चीज वो डैमेज हुआ कहते हैं करेगा। तो ये डिजीजेस, इनके साथ दोस्ती करनी है, यू हैव टू मेक फ्रेंड विद देम, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक किड्स, अपने बच्चों की तरह। जिस तरह बच्चा जिद्दी हो ना तो उसको आप मार के घर से नहीं निकाल सकते, उसे प्यार से ट्रीट करना पड़ता है। तो इनकी यही फिलॉसफी रह जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो जैसे मैंने कहा, मैं खुद हाइपरटेंसिव एक्सट्रीम जो है फर्स्ट टाइम जब डायग्नोज जो है कहते हुआ, तो उस टाइम मेरी बच्ची की एज मुश्किल से साल एक थी। तो मैं कहता हूँ अगर मेरी बच्ची की एज 18 साल है तो मेरी बीपी की एज भी 18 साल जो है कहते हैं। तो इसको मैनेज करना है। मुझे ये बात समझ आ गई थी किसी वक्त में कि अगर इसको मैनेज नहीं करेंगे, क्रॉनिक इलनेस खास तौर पर ये दो है, बीपी और डायबिटीज, इसको साइलेंट किलर कहते हैं। बाहर बंदा बिल्कुल ठीक है लेकिन अंदर से अगर आप ख्याल नहीं रख रहे तो ये आपके ऑर्गन को डैमेज कर देती है, आई साइट चली जाती है, किडनी को अफेक्ट करेगा, बीपी हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसे कहते हैं। तो ये तो पुरानी बातें सारी रिपीट होगी। आज की नई बात, खुदा ना खास्ता किसी को हो गया और हो गया तो उसको कोशिश करें, चाहे आप खुद हैं या क्या, उसको रियलाइज करवाएं कि वो एक्सेप्ट करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसे कहते हैं डिनाइल, बंदा एक्सेप्ट नहीं करता। किसी को पहली दफा चलता है ना कि बीपी है, वो कहता है नहीं यार वो कुछ दिनों ना, वो मैं मीठा ज्यादा खा लिया, मैंने वो स्ट्रेस थी, बीपी है, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं। वो एक्सेप्ट करने में प्रॉपर मेडिकल स्पेशलिस्ट से डायग्नोज कराए, थोड़ी हिस्ट्री कुछ दिनों की ले, जब पता चल जाता है कि यार ये है, उसको एक्सेप्ट जब बंदा कर लेता है तो तब ट्रीट करेगा। जो एक्सेप्ट ही नहीं करता वहां से प्रॉब्लम आती है। तो कोई आपके इर्द-गिर्द ऐसा बंदा, उसे कोशिश करें रियलाइज करवाएं कि ये तुम्हारे साथ एक्सेप्शनल मसला नहीं है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि आफ्टर 40 ईयर हर 10 में से तकरीबन मोर देन 6-7% लोगों को एक हद क्रॉनिक इलनेस होती है। पाकिस्तान में ये थोड़ी और पीछे आ जाती है, इवन अभी लोग लेट 30s में होते हैं तो ये चीज़ आ जाए। अगर किसी को हो गई है, लोग ख्याल नहीं कर रहे होते, लोग कहते हैं जितना इसका ख्याल किया, सर पे सवार ये किया वो किया, मस्त, ऐसा नहीं है, उसकी केयर करनी है। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूँ कि एक बंदे को है खुदा ना खासा ब्लड प्रेशर और वो नहीं केयर कर रहा, लाइफ बैलेंस नहीं कर रहा, ना कोई एक्सरसाइज करता है, ना लो सॉल्ट जिसको कहते हैं डाइट लेता है। तो अगर हमारे साथ बैंकर्स कोई हों तो पुराने वक्तों में नोट के ऊपर एक रबड़ चढ़ाते थे ना, गड्डी के ऊपर, अभी भी शायद हो, समझे, एक रबड़ बैंड चढ़ा हुआ है, नोटों की गड्डी है। एक बंदे की मिसाल समझ लें, जो कोई जॉब कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, बड़ी भाग दौड़ कर रहा है, वो रबड़ बैंड ऊपर चढ़ा हुआ है गड्डी के ऊपर, कभी देखा होगा रबड़ कितनी टाइट होती है। उसमें अगर मैं और नोट डालूं, 2-4 किसी तरह डाल जाएंगे, लेकिन वो जो रबड़ बैंड है वो टाइट हो जाएगा। थोड़े और नोट डालूं फिर क्या होगा, वो टाइट होगा और चांस है कि वो ब्रेक कर जाएगा। तो यूं समझें कि एक ऐसा क्रॉनिक इलनेस का बंदा जिसको ये ख्याल निकाला, उसकी मिसाल इस तरह। अब करना क्या है, सबसे पहला काम उसमें और नोट डालने छोड़ दें, यानी लाइफ में और एग्जर्शन करना छोड़ दे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा 2-2, 3-3 जॉब्स ये वो, उसको छोड़ दे, उससे बेहतर हल के कोशिश करे कुछ नोट अगर उसमें से बाहर निकाल ले, वो रबड़ बैंड का स्ट्रेस रिलैक्स हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो लाइफ में बहुत सारी जो मसरूफियात हैं उसमें से कुछ कम जो है कहते हैं करें, और ऐसा ऐसा उसको बिल्कुल रिलैक्स कर लें, कोई मसला नहीं होगा, वो जो है कहते हैं टूटेगा नहीं रबड़ बैंड, यही जो है कहते हैं क्रॉनिक। बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक है, मैं मिसाल देता हूँ वसीम अकरम की, फवाद खान की, ये बहुत सीवियर जो है कहते हैं डायबिटिक, बड़े अच्छे से, लेकिन आप उनकी स्मार्टनेस, उनका स्टाइल लाइफ ये वो देखें, पता नहीं चलता। उसके मुकाबले में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं है, उनकी लाइफ ज़्यादा जो है स्ट्रेस है। तो उसके लिए जो है कहते हैं, अब करना क्या चाहिए, सबसे मेन जो मेरी रिसर्च कहती है, जो मर्जी आप गोलियाँ खा लें वो मस्ट है, वो आपको सपोर्ट देती है, लेकिन डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये दो चीज़ें हैं जो मेन चीज़, मेन रोल। ये जो आज हमने वॉक की है, ये इतनी बड़ी जो है कहते हैं हीलिंग है क्रॉनिक इलनेस की, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये जो ब्रिस्क वॉक जिसको आप क्या लें, बाकी डाइट का भी है, उसमें भी फिर कभी इंशाल्लाह आगे डाइट के वाले से भी बात करेंगे। मेन आज का यही है, मेन जो है कहते हैं था। लेकिन बात हुई है कि डायग्नोज के लिए टेस्ट लगा, वो मास्टर देखिए पता ही नहीं है ये साइलेंट किलर।